As far as the voting for the seventh and final phase of the Lok Sabha elections that is underway. Now, polling is being conducted across 57 parliamentary constituencies across eight states and union territories. Voting is being held on all 13 seats of Punjab and all four seats of Himachal Pradesh. Meanwhile, the saffron stronghold of Uttar Pradesh is also voting on the last 13 seats neighbouring bihar is polling on eight lok sabha seats while jharkhand is voting on three seats and chandigarh has only one seat up for grabs whereas bengal and odisha are voting on nine and six seats respectively and the final phase of polling has over 10.06 crore electors voting to decide the fate of over 900 candidates Let's also tell you some key candidates in this phase are Prime Minister Narendra Modi from Varanasi, who's eyeing a three, of course, term that is. Now, BJP's latest star, Kangana Ranaut, is fighting her first poll battle from Monday, and India bloc leaders like the Aditya Singh, Misa Bharati, Manish Tiwari are also other key names in the poll frame. इस वक्त मैं मंडी लोकसभा सीट पर हूँ सरकाघाट बूथ है तो आइए जानते हैं यहाँ के लोग जो हैं किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे आपका नाम रुद्र जी किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे मुद्दे जो काम पे होते हैं जो काम करेगा वही जाएंगे मुद्दे क्या है मुद्दे कुछ नहीं हमारे तो आइए आगे जानते हैं और भी लंबी कतार लगी है लाइन की तो किन मुद्दों को लेके आप महिला हैं किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे हमारे वोट मैम राष्ट्र हित के नाम पे जाएंगे जो राष्ट्र की सेवा करेंगे हम भी उसी की सेवा करेंगे और हमारे साथ काफी सारे यहाँ पे लोग हैं आइए जानते हैं आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज वोट करेंगे डेवलपमेंट जी विकास और जो जो पार्टी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करे और देश को एक रख सके उस पार्टी को हम वोट देंगे तो आप बताएंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के आज आप वोट करेंगे देखिए हमारा जो वोट है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे है और जिस तरीके से पिछले दस सालों में अपने देश में जो विकास हुआ है उस मुद्दे पे हम वोट डालने वाले हैं और जिस और तीसरी बात जो पूरे विश्व में अपने देश का जो नाम पिछले दस सालों में बढ़ गया है इन मुद्दों पे हम वोट डालने वाले हैं तो हमारे साथ युवा है यहाँ पे युवा से भी जानते हैं कि किन मुद्दों को ध्यान में रखे आप बताएंगे किन मुद्दों को ध्यान में रखे वोट मैडम मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहता हूँ मैं इलेक्शन ड्यूटी में आया हूँ जी तो मेरी रिजर्व ड्यूटी लगी है तो मेरे पास ई इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट तो उसके बेस पर मैं वोट करूंगा बाकी मुद्दा तो डेवलपमेंट है जी देश की देश की जो विकसित अच्छा करेगा विकास अच्छा होगा तो नेचुरली आप बताएंगे किन मुद्दों को ध्यान में मेरा भी यही मुद्दा है मैं भी इलेक्शन ड्यूटी में हूँ मुद्दा यही है बिल्कुल विकास, विकास है। का मुद्दा है आप बताएंगे किन मुद्दों को ध्यान में वोट के वोट विकास का ही है जी। विकास होना चाहिए बस ज्यादातर यहाँ पे लोग जो है विनोद माय कोलीग इज ज्वाइनिंग मी फ्रॉम गोरखपुर विनोद भाई गुड मॉर्निंग टू यू ऑफ कोर्स क्लियरली जहां तक ये बिग बैटल है उसके बारे में भी आप बताएंगे लेकिन जहां तक मूड का सवाल है सिटीजन आके मतदान कर रहे हैं क्या ऐसे प्रोमिनेंट इशूज हैं उनके दिमाग में जहाँ पे वोटिंग से पहले उन्होंने अगर आपसे बातचीत की हो इसके बारे में आ, बिल्कुल एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं फर्स्ट कि किस तरह से लोग जो है कतारों में खड़ा होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं अब बड़ी बात यह है कि आज थोड़ा मौसम जो है वो ठीक है हवा चल रही है धूप थोड़ी कम है तो आपको दिखाई देगा चूंकि जितने फेजेस आखिरी के जो छह फेज थे काफी गर्मी थी इसलिए हमने देखा कि वोट परसेंटाइल जो है वो बहुत कम था लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार वोट परसेंटाइल ठीक होगा जिस सीट की बात कर सीट मानी जाती है गोरखपुर की गोरखनाथ की सीट है ये यही से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिन्होंने सात बजे खुद आ, पहला मतदान किया है गोरखपुर में और उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें जहां पे मैं मौजूद हूं यहां बूथ है जो यहां के सांसद है और कैंडिडेट है बीजेपी के रवि किशन

मुद्दा होता है विकास होता है किसी के लिए बेरोजगारी होती है किसी के लिए विकास होता है किसी के राष्ट्र 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 होता है कुछ सोचा है किसके और सब कुछ मतलब विकास बेरोजगारी सब सारा मुद्दा ही शामिल रहेगा हाँ. हाँ जैसे कि अब डेवलपमेंट तो सब मतलब सामूहिक होगा ना हाँ. हर चीज का आपको हाँ. लग रहा है की जो सरकार है उसने डेवलपमेंट किया है या बदलाव के लिए बदलाव क्या मतलब हाँ कुछ इसमें और प्रोग्रेस हो बाकी तो डेफिनेटली किया ही है डेवलपमेंट किया ही है गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया है बिल्कुल मैडम आप लोग से जानना चाहेंगे कुछ कुछ थॉट है कुछ सोचा है अपने वोट करने के पहले दिमाग में कुछ मुद्दा है क्या कि, 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 किस किस मुद्दे के आधार वोट करेंगे मुद्दा यही डेवलपमेंट का है जी और जिसे हम सोच रहे हैं कि ये आगे हमारे कंट्री के लिए डेवलप करेंगे हमारे सिटी को तो समझ के गोरख विकास हुआ है कोई लोकल मुद्दा है गोरखपुर हाँ, का गोरखपुर का लोकल मुद्दा अभी नहीं दिख रहा है जैसे विकास तो हो ही रहा है गोरखपुर में बदलाव हुआ है बदलाव बहुत हुआ है गोरखपुर में चेंजेस है लोकल मुद्दा नहीं है मुद्दा देश का है राष्ट्र का है विकास का है और इसी मुद्दे के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं बहुत सारे लोग भी हैं अंक अंकल आप भी खड़े हैं यहाँ पे बहुत okay. देर से कतार में इस बार मौसम थोड़ा साथ दे रहा है जी बहुत अच्छा साथ दे रहा है कुछ सोचा है कुछ मुद्दा है दिमाग में किस मुद्दे को लेकर जिससे हमारा देश सुरक्षित हम सुरक्षित है हमारा समाज सुरक्षित है उसी को वोट करना आप फर्स्ट टाइम वोटर हो नहीं टाइम वोटर हो कुछ सोच के आए हो जी राष्ट्रवाद मुद्दा चाहिए आपके लिए भी कोई मुद्दा है जी सर हम बड़े सौभाग की बात है कि हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और बहुत तेजी से विकास हो रहा है इसलिए सपोर्ट करना चाहिए बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ के यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर की तस्वीर बदली है लिहाजा लोगों को लगता है कि ये बदलाव ये विकास कंटिन्यूस आगे बढ़ा, बढ़ता रहे इसके लिहाज इस, इस सोच के साथ लोग आज वोट भी कर रहे हैं Jeevan, thank you very much for more importantly getting us those voices as to what citizens are thinking. But thank you so much. We'll leave it at that. But we're also getting you live visuals. Remember, a lot of the leaders will be casting their vote today as well. Uh, this is of the fact that Lalu Prasad Yadav is currently casting his vote. We'll continue to track all the visuals and what you should know as well. But as far as my colleagues are reporting from on the ground, to get us a sense of what's really happening out there, let me go across to my colleague Poonam. And understand She's joining me from Monday. Remember, that's where the big battle is. We've seen so much to do right before the polls as well. We'll try going across to her. But uh, since we're talking about how my colleagues are reporting from different parts, let's take a look at this report that was filed by my colleague Ravi Kant earlier. सातवें और आखिरी चरण के मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद प्रारंभ हो जाएगी इस वक्त हम गाजीपुर में हैं वाराणसी के बाद दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है क्योंकि एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने अफजल अंसारी को यहां पर उतारा है जो कि मुख्तार अंसारी के भाई हैं गाजीपुर की जनता जो है बहुत जागरूक है सुबह सुबह मतदान केंद्र पर लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं सर क्या नाम है आपका अनुराग राय अनुराग जी इस बार जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो आपके मन में क्या मुद्दे हैं क्या सोचकर वोट करेंगे विकास के सोच कर जो है हम लोग वोट डालेंगे और राष्ट्रवाद और हमारी सनातन धर्म जो है उसको सोचकर वोट सोच डालेंगे अंकल जी आपका क्या नाम है डॉक्टर भरत सिंह भरत जी आप क्या सोचते हैं पिछले पांच सालों में क्या रहा और इस बार जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो क्या मन में चल रहा होगा इसमें भी है कि पहले पांच सालों में भी आ, जिस हिसाब से कार्य हुआ है वो संतोषजनक है आगे भी और इससे अच्छा कार्य के लिए हम लोग All right, like I was mentioning with the fact that Pune, my colleague, will be joining us to talk to us about the big battle and essentially what people are making of the current situation as well. Puna, very good morning to you. Of course, you've had the opportunity to cover up uh, the run up to the elections. That is, we've seen so much as far as this big battle that's concerned. We don't even know on June 4th what the results are going to be looking like. But this morning, what are the pressing concerns for citizens that are driving them to, you know, cast their mandate is as one aspect of it. And the big battle that we're going to witness with the fact that people of Himachal will be making that decision, Puna. Yeah, right now I'm at uh, Mandi Ghat polling booth, and this is the hometown of Kangra North. Obviously, the there is neck-to-neck -neck fight between uh, BJP candidate that is Kangra North, and on another side there is Vikram Aditya Singh, who is Congress candidate. Hello, are you able to hear to me? Hello. Yes, Puna. I can hear you. Please go ahead. All right, we'll try connecting with my colleague uh, Poonam to get us a sense of what's happening. But what you essentially see on your screens right now is the big battle. Remember, it is uh, Kangana ranawat who has been fielded uh, from the BJP um, versus, of course, uh, Vikram Aditya Singh. Remember, he's the son of former Chief Minister uh, Veera Badra Singh. So it'll be very interesting to see how this is going to be panning out right ahead of this particular voting day. That is, we've seen so much of political conundrum as far as this fight is concerned. Uh, there were no stones unturned. And in terms of the campaign as well, sometimes of course, crossing that thin line. But let's also tell you the since we're talking about Himachal, the key contest in Shimla you're looking at essentially Suresh Kumar Kashyap from the BJP being fielded against Vinod Sultanpuri. Sultan beg your pardon, this is of course the key contest in Shimla. We're also showing you in Hamirpur what is exactly happening, of course, Union Minister that is Anurag Thakur taking on Satpal Raizada. Just a couple of minutes ago, we were focusing on the Monday battle, the big Monday battle that is. But let's also tell you, as far as Himachal is concerned, another key contest to look forward to is Anand Sharma, who is fielded against BJP's Rajiv Bharadwaj. It's going to be very interesting to see how the people are going to be making their mandate. Will the results be different from what we saw in 2019? Now, talking about Anand Sharma, who is uh, of course, fighting from the Kangda seat, he's a former deputy leader of opposition of Rajya Sabha. So, clearly a heavyweight over there who has been placed. Be interesting to see how this will pan out for him, um, considering we're talking about Hamirpur as well in Himachal. Um, of course, Minister for Sports and Information and Broadcasting Anurag Thakur has been fielded by the BJP. This, remember, this is, of course, the seventh and final phase of the polling. This is the last line to the race. Ultimately, the race results we shall know on June 4th. Since we're talking about Himachal Pradesh, let's also tell you what's happening otherwise. As far as Punjab is concerned, we'll break that down for you with, of course, key details that you've got to know. Now, what you're essentially looking at is the number of seats that's going into polling. That is 13. Let's talk about the key contest here, Gurdaspur in Punjab. Sukhchand Singh Randhawa. Remember, he was casting his vote a while ago. In fact, taking on Daljit Singh Chima would be very interesting to see. Remember, in Punjab, a lot has changed politically speaking. Uh, um, so, what do the citizens really think, and how they're going to be panning, you know, and making that decision will be very interesting to see. It's definitely a triangular contest as far as Amritsar is concerned. You're looking at uh, the graphics on your screens as well. Uh, Kadur Sahib is going to be yet another very interesting fight. Remember, Amritpal Singh is fighting as an independent, and we know that he was, of course, uh, lodged in jail, and he took that decision as